अरे मून, ये तुम क्या कर रहे हो? साड़ी बांध रहा हूँ। ये किस खुशी में तुम इंडियन औरतों की तरह साड़ी बांध रहे हो? तो क्या पाकिस्तानी औरतें नहीं पहनती? और हाँ, आज ना हमारे स्कूल में एक फंक्शन था, तो एक टीचर ने साड़ी बांधी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं देखूं कि साड़ी कैसे पहनते हैं। अरे वाह, वाकई तुमने तो बिल्कुल फिल्मी हीरोइनों जैसी साड़ी बांधी है। किससे सीखी? किसी से नहीं, बस पहली दफा ट्राई मारी है। अच्छा, मुझे भी सिखाओ ना। फिर आप 10 रुपये देंगी? हाँ, और फिर तुम्हें उस 10 रुपये की इमली खानी है। अच्छा चलो, खैर ले लेना, चलो मुझे साड़ी बांधना तो सिखाओ। चलें ठीक है, मैं आपको सिखाता हूँ। आपकी तारीफ का शुक्रिया, पर मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? यही, किसी से फोन पर बात करना। तो फिर हम कहीं मिल के बात कर लिया करेंगे। क्या क्या मतलब है आपका, कि मैं आपसे मिलने कहीं बाहर आऊँगी? बाहर ना सही तो घर पे ही सही, वैसे भी तुम्हारे घर में मेरे और भी जानने वाले। वैसे ये अच्छी बात नहीं है। तो अच्छी बात क्या? यही कि आप मुझे फोन ना किया करें। ठीक है, मैं कल से आपको फोन नहीं करूँगा। जी जी, क्योंकि कल से आप मुझे फोन करेंगी। नहीं नहीं, कल नहीं हो सकता, परसों पे रखते हैं। हाँ अच्छा, चल मैं फिर बात करता हूँ। ओके। आज कितने दिनों बाद हम अपने कमरे में सोएंगे ना? उसमें इतनी खुश होने वाली क्या बात? खुश होने वाली बात तो है, अपना कमरा भी अपनी जागीर होता है, जहाँ किसी की कोई हुकूमत नहीं होती, ना कोई हुक्म देने वाला ना कोई हुक्म मानने वाला। और मियाँ बीवी का कमरा? हुकूमत तो बीवी की होती है, और अपोजिशन में होते हैं मियाँ साहब। और एक अक्लमंद हुकूमत को अच्छी तरह पता होता है कि अपोजिशन को कैसे काबू में किया जाता है। कैसे? चाय खत्म कर ले फिर बता। अब तो जल्दी से खत्म करनी पड़ेगी चाय। बुल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।